यूपी में बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की जंग एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बार टक्कर है यूपी के सबसे बड़े बाहुबली मुख्तार अंसारी की बाहुबली धनंजय सिंह से। एक तरफ मुख्तार अंसारी की राजनीति अपने चरम पर है और वो लगातार पांचवीं बार विधायक हैं, तो दूसरी तरफ जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह की राजनीति रसातल में पहुंच गई है। यही नहीं, इस बार लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल ने बाहुबली धनंजय पर अपना भरोसा नहीं जताया, जिससे धनंजय सिंह काफी परेशान हैं और यूपी में अपनी धमक फिर से बनाने के लिए बेचैन हैं। यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब किसी बड़ी पार्टी ने धनंजय सिंह को टिकट नहीं दिया तो वो सुभाजपा के ओम प्रकाश राजभर के पास टिकट के लिए पहुंचे थे, जहां बाहुबली धनंजय की मुलाकात मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधियों से हुई। फिर क्या था, बाहुबली धनंजय ने मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधियों के सामने ही मुख्तार अंसारी को भला बुरा कहने लगे, जिसका विरोध मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधियों ने किया था, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था, जिससे दोनों खेमों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क गई। फिर क्या था, एक शाम लखनऊ के हजरतगंज में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज गई और हमला हुआ मुख्तार अंसारी के दो प्रतिनिधियों पर। खास बात यह थी कि हमलावरों की गोली से घायल होने के बावजूद सगे भाई बुलेट चलाकर पास में स्थित एसपी आवास पहुंच गए। घायलों ने हमले के पीछे बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर साजिश का आरोप लगाया था। इस घटना ने यूपी में अब बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वर्चस्व की जंग में बाहुबली मुख्तार और बाहुबली धनंजय में कौन किस पर भारी पड़ता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।